हेवनली बॉडीज कौन कौन सी होती है, हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है, प्लैनेट्स क्या होते हैं, सैटेलाइट्स क्या होता है। टुडे वी शैल कंटिन्यू आवर क्लास एंड वी शैल स्टडी अबाउट कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन मीन्स होता है तारा मंडल। जब रात में आकाश में अपन को अंधी में तारे दिखाई देते हैं, अनकंफर्टेबल स्टार्स होते हैं, उनके अलग अलग ग्रुप्स दिखाई देते हैं, उनका जो शेप होता है अलग अलग होता है, उसी को कॉन्स्टेलेशन बोला जाता है। इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। कॉन्स्टेलेशन क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। कॉन्स्टेलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, यह एक तारों का समूह होता है। देट मेक एन इमेजिनरी शेप इन द नाइट स्काई, और इनका जो शेप होता है वो इमेजिनरी होता है। दैट मीन्स जला देते हैं।
बढ़ना, टेम्परेचर तापमान और पृथ्वी पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना क्या बोले जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब वो गैसें कौन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब किसमें आती है, ग्रीन हाउस गैसेस। वॉटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन आर द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर में कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेज है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन गैस एटसेट्रा। अर्थ एटमोस्फेयर हैज नो डेफिनेट बाउंड्री। अर्थ एटमोस्फेयर पृथ्वी का जो वातावरण है एटमोस्फियर, एटमोस्फियर जो है वो अनलिमिटेड है, मीन्स इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई नहीं बता सकता कि ये कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। स्लोली बिकमिंग थिनर एंड फेसिंग इनटू आउटर स्पेस, थ्री क्वार्टर्स ऑफ द एटमोस्फेयर्स मास इज कंटेंट विद इन द फर्स्ट 11 किलोमीटर ऑफ द सर्फेस। अब जो जगह तो खाली एटमोस्फेयर का वो पृथ्वी की सतह से सर्फेस से 11 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, उसके बाद ये और ज्यादा वहां पे लाइफ कम पॉसिबल होती है। This lowest layer is called the troposphere, जो पृथ्वी की सरफेस से 11 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, पृथ्वी की सरफेस से 11 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, उस लेयर को क्या बोला जाता है, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर मीन्स स्थल मंडल। जब ये हवा 11 किलोमीटर